दोस्तों मेरी एक गलती की वजह से दोस्तों मेरा YouTube करियर खराब हो चुका है। दोस्तों मैं चाहता हूँ आप भी ऐसी गलती YouTube पे कभी ना करें। दोस्तों मैं YouTube पे 2018 में पहली बार आया था, जब दोस्तों मुझे YouTube के बारे में बिल्कुल भी नॉलेज नहीं थी। तो दोस्तों मेरी सबसे बड़ी गलती क्या रही, मैं समझता था कि सब्सक्राइबर ही सब कुछ होते हैं। जब कोई बंदा यूट्यूब पे पहली बार आता है और अपना चैनल बनाता है, वो भी यही सोचता है कि सब्सक्राइबर ही यूट्यूब पे सबसे बड़ी चीज होती है। तो दोस्तों मैंने भी ऐसा सोचते हुए अपने चैनल को सभी के साथ शेयर किया और सभी से रिक्वेस्ट की कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। और दोस्तों मैंने सब फोर्स सब का भी सहारा लिया। अगर दोस्तों मैं ऐसा नहीं करता, आज दोस्तों मैं एक बहुत ही बड़ा यूट्यूबर होता। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ दोस्तों, अगर आप सब फॉर सब करवाओगे या अपना चैनल अपने फ्रेंड से शेयर करवा करवा के अपने सब्सक्राइबर बढ़वाओगे, उससे दोस्तों आपके चैनल पे बहुत ही बड़ा इफेक्ट पड़ता है। दोस्तों आज मैं आप लोगों को सच्चाई बता देता हूँ जो मैंने आज तक किसी को भी नहीं बताई। दोस्तों मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, प्लीज दोस्तों आप ऐसा कभी मत करना। दोस्तों 6 महीने में मैंने अपना यूट्यूब चैनल इतना शेयर किया, फेसबुक व्हाट्सएप सब जगह, और मेरे फ्रेंड्स ने भी मेरा चैनल सब जगह शेयर किया। और दोस्तों इसी तरीके से मैंने 6 महीने के अंदर 8000 से भी ज्यादा सब्सक्राइबर जुटा लिए थे। पर दोस्तों इतने सारे सब्सक्राइबर जुटाने के बाद दोस्तों मैं जब अपनी YouTube चैनल पे कोई भी वीडियो अपलोड करता था, मुझे दोस्तों 15 या 20 से ज्यादा व्यूज कभी भी नहीं आते थे। दोस्तों इतने सारे सब्सक्राइबर होने के बाद भी व्यूज 15-20 आ रहे हैं। अब दोस्तों आप ही सोच सकते हो कि ये कितना बड़ा चैनल पे इफेक्ट पड़ता है। दोस्तों अगर आप सब फॉर सब कराओगे या किसी से बोल के अपना चैनल सब्सक्राइब करवाओगे, इसका इफेक्ट दोस्तों ये पड़ेगा, जब आप लोग अपने चैनल पे कोई भी वीडियो अपलोड करोगे, वो बंदा आपकी वीडियो नहीं देखेगा, क्योंकि दोस्तों उसको इंटरेस्ट ही नहीं है इस चीज में, वो इसलिए आपकी वीडियो नहीं देखेगा। जैसे उदाहरण के तौर पे दोस्तों कोई स्टूडेंट है, वो मैथ पढ़ना चाहता है। अब आप बताओ दोस्तों, अगर उसको मैथ का टीचर केमिस्ट्री पढ़ानी स्टार्ट कर दे, क्या वो बंदा पढ़ेगा क्या? इसी तरीके से दोस्तों YouTube वीडियो का भी फंडा है, जिस बंदे को जो चीज पसंद होती है वो उसी चैनल को जाके देखता है और फिर उसी को सब्सक्राइब करता है। एक दोस्तों सब फॉर सब या किसी से बोल के अपना चैनल सब्सक्राइब करवाने का सबसे बड़ा ये भी नुकसान है, आपकी वीडियो पे वॉच टाइम तो आएगा ही नहीं, वो बंदा आपकी वीडियो पे क्लिक करेगा और वीडियो को काट के ऐसी भग जाएगा, आपकी वीडियो देखेगा ही नहीं। इससे दोस्तों आपकी वीडियो की रैंक गिर जाएगी, क्योंकि दोस्तों यूट्यूब पे पूरा खेल जो होता है वो वॉच टाइम का होता है। अगर दोस्तों आपकी वीडियो पे वॉच टाइम अच्छा खासा है या जितना ज्यादा वॉच टाइम आपकी वीडियो पे आएगा, इतनी ज्यादा आपकी वीडियो रैंक करेगी और दूसरे बंदों तक पहुंचेगी सजेस्ट लिस्ट में या ब्राउजर फीचर के जरिए या यूट्यूब सर्च के जरिए। तो दोस्तों अगर आपकी वीडियो पे वॉच टाइम ही अच्छा नहीं आएगा, वो कहां से रैंक कर पाएगी, आप ही मुझे बताओ। दोस्तों आज आपकी वीडियो पे 10 व्यूज है पर वॉच टाइम अच्छा है, दोस्तों इसका सबसे बड़ा आप लोगों को फायदा होने वाला है फ्यूचर में, क्योंकि फ्यूचर में जैसे जैसे आपका चैनल ग्रोथ करेगा, वो वीडियो खुद पे खुद अपने आप ही रैंक करनी स्टार्ट कर देगी एंड टाइम में जाके। तो दोस्तों अगर आप अपनी वीडियो की अभी से वॉच टाइम की रैंक को बहुत ही ज्यादा लो कर दोगे, दोस्तों फ्यूचर में आपकी वीडियो कभी भी रैंक नहीं कर पाएगी। दोस्तों जब मेरे चैनल पे वीडियो पे व्यूज ही नहीं आते थे, फिर दोस्तों मैंने बहुत ही बड़ी प्लानिंग की। मैंने क्या किया दोस्तों, मैंने सर्च जो वीडियो होती है, सबसे ज्यादा वीडियो जो सर्च की जाती है, उन पे वीडियो बनानी स्टार्ट की और अपने चैनल पे यूट्यूब पे इस पे डालनी स्टार्ट कर दी। उसके बाद दोस्तों मेरी जो चैनल की ग्रोथ हुई है, आज दोस्तों बहुत ही जल्दी मैं
15,000 सब्सक्राइबर के आसपास पहुंच चुका हूं। इसलिए दोस्तों मैं आप लोगों से भी रिक्वेस्ट करता हूं, आप भी ऐसे टॉपिक ढूंढिए जो यूट्यूब पे सर्च किए जाते हों और फिर उन पे ही वीडियो बनाइए। क्योंकि दोस्तों अगर आप ऐसे टॉपिकों पे वीडियो बनाएंगे, बंदे आके सर्च मारेंगे और आपकी वीडियो निकल के आएगी उनके सामने, और अगर वो बंदा आपकी वीडियो देख लेगा फिर कुछ दिन के बाद आपकी कोई और वीडियो भी उसके प्लेलिस्ट में ऑटोमेटिकली चलनी स्टार्ट हो जाएगी, मतलब कोई अगर वीडियो रैंक करेगी। तो दोस्तों आज आप लोगों को थोड़ा सा मैंने ये ज्ञान दिया है, इसको भाई दिमाग में बैठा लो। अगर मेरी इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक कर देना और आगे शेयर तो कर ही देना, और अगर चैनल पे पहली बार आए हो तो भाई दोस्तों सब्सक्राइब कर देना। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं बहुत जल्दी एक नई वीडियो में।